पर चुकड़ चल रही है, सेट हो चुका है और अब हम खेलने वाले हैं। और इतनी ठंड में मुझसे दरवाजा खुलवा रही है इतना। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू कशस फैमिली। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और मुझे बिल्कुल नहीं जानते होंगे। अच्छा, लेकिन अब से आप मुझे जानने लग जाएंगे। ओके जी, तो जी हमारा वेरी फर्स्ट व्लॉग है, इसमें हम आपका वेलकम करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। और जी हमारे साथ फिजा मौजूद है। हाँ जी जी, क्या कर रही हैं आप? मैं ना, पता क्या हुआ आज मेरे साथ, मैंने ना दोपहर का खाना खाया तो ना सर्दी इतनी ज्यादा है ना, मैंने पानी नहीं पिया। तो अभी मुझे लग रही थी प्यास, तो मैंने सोचा कि मैं ना ये कच्ची का ग्लास है इसमें ना पानी डाल के ना तो वो पीऊंगी। ये ना एक बड़ी मजे की बात है कि सारे घरों में होता होगा कि यार कांच का गिलास है, कौन तो सी कहना तू कांच का गिलास पहले ही देखे। नहीं, ये बड़ी खुशी की बात है कच्चे के गिलास में। अरे कहना क्या चाहते हो यार? वाकई ये ऑनेस्टली खुशी होती है। पता क्या होता है, कांच के गिलास जो है ना वो अम्मिया निकालने नहीं देती अपने बच्चों के लिए। कांच के कांच के गिलास यार अपना उदो ही कढ़ते हैं जो अपने घर मेहमान आए हो। ठीक है, साढ़े जहां बंदे शटील के गिलास ही नसीब होते हैं। वाकई ये ईद हो जाती है जो यार गाइस आपको पता लुत्ती क्या होती है? लुत्ती मींस चुगली। मैं अम्मी को चुगली लगाती हूँ, मेरे अनुसार छित्र छुत्र पवाने आप। ठीक है, हाँ जी तुम चुगली ना लगाओ, मैं तुम्हें रिश्वत देती हूँ, तुम भी कच्चे के गिलास में पानी पिला। यार मैं चोरी छुपे पीनी रानी हूँ, समझ रहे हो ना? ठीक है, उधर कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो मुझे बताया नहीं है, है? तुम जाके अब मम्मी को बताओ कि ये करती है। मैं बड़ी आई एम, मतलब वो ना, समझ रहे ना, मैं बड़ी औलाद हूँ, मेनू कोई कुछ नहीं कहता। अच्छा, बहुत तेज हो रहे हो। हाँ जी भाजी, तुसे खजूर खा रहे हो? तुसे मेरे उत्तो भाले। भाजी खजूर खा रहे हैं? Why? और तुसे मेरे उत्तो भाले आए? डब्बा ले आओ तो साथ। चल दे डब्बा। यार हमने अपना डब्बा वापस ले लिया, लेकिन हम इनसे एक सवाल करना चाहते हैं कि ये जो है वो इस स्लैब के ऊपर चढ़ के क्या कर रही है, बताएं जी जरा। ठंड बड़ी है ते गोडे बड़े दुख दे वा ते खलोता नहीं जांदा जी। क्या कहते हैं गाइस आप, अपा इन्हां दे गोडे कढ़ा ना देखिए। अल्लाह माफ कर। अच्छा गाइस, आपने मशवरा देना, जिस जिसके घुटने दर्द करते हैं उसका या तो इलाज बता दें, और नहीं तो मेरे पास एक इलाज है कि उन बंदों के घुटने निकाल दें। जापानी गोडे, जापानी गोडे निकाल दें, चाइनी गोडे। अच्छा, उन्होंने सारे जापानी गोडे काट के तुम सारे चाइना के गोडे पवा दो। नहीं। अच्छा जी, इस व्लॉग का कुछ पार्ट जो है वो हमने अर्ली मॉर्निंग में रिकॉर्ड किया हुआ है, वो पार्ट जो है आपने देखने के लिए आगे तक देखते रहना है। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड विद अस, प्रॉमिस करें आगे तक देते रहेंगे, और लाइक सब्सक्राइब शेयर किए बगैर आपने कहीं नहीं जाना। अच्छा, हमको सिखा रिया है कि अल्लाह ने ताडे नाल नाराज होके तनू अपने कोल बुला लेना, फिर मेनू ना क्यों कशम बाजी ने दसया नहीं सी। ते ठंड च मरना केड़ा सोखा है, ना छेड़ मलंगा नु कुत्ते पहन के टंगा ने। ठंड च जदों तनू नमाया ना उन्होंने मरया ना। ओए ओए ओए, नग पता गया ना। नहीं पता लग गया, नहीं वैसे गर्म पानी कर लेते हैं फिर भी ठंड आती है। वो कौन सा वॉइस रूम के अंदर लाते हैं? और बहन को खूब सपोर्ट करोगे, बहन आपको सपोर्ट करती है, आपको एंटरटेन करने के लिए। इतनी ठंड में ये बाजू अकड़ी हुई है बहन की, और वो हाथ जो है ना वो भी अकड़ा हुआ है, ये नाखून भी नीले हुए हैं। मेवा खा तेरी ठंड लथे। ओके गाइस, आपने मेवा खाया, मैंने मेवा खाया, एक ही बात है। इंग्लिश में आपकी बहन मेवा खाएगी, आप बिल्कुल नहीं खाएंगे। और आपने कमेंट्स में बताना है, मैं जब खाऊंगी तो ये सारा टेस्ट आपकी तरफ आ जाएगा। और आपने कमेंट्स में बताना है कि मेवा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये आज का आपका क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है आपके लिए, आपने ये बताना कि मेवो की इंग्लिश क्या होती है, क्योंकि हमारी इन बहनों की इंग्लिश कमजोर है, हमने इनकी इंग्लिश हाई कराने के लिए ना जो आपने भरपूर मेरा साथ देना। और नहीं जी, इंग्लिश पहला की कहते ने माई वाह। माई वाह।
आपने बताना कि इसको माई भाई कहते हैं या कुछ और कहते हैं, तो वो आपने मुझे जरूर बताना। ओके जी, तो जी ओके जी गाइस, अब हमने नाश्ता वाश्ता कर दिया हुआ है, हमने घर के तकरीबन छोटे 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 जितने भी काम है ना वो भी सारे कर लिए हुए हैं, और अब हम लोग जो है वो छत पे जाकर रैकेट शटल खेलेंगे। और मैं आपको दिखाती हूँ मैंने अपना रैकेट शटल किधर रखा हुआ है, नीचे से ला हम लोग सीढ़ियों पे, और ये है जी मेरा रैकेट शटल। आज हमारे पास है जी दो शटल्स, ओके हमने इन दोनों के साथ खेलना है कि इनकी मैं आपको नोटिफाई करवाऊंगी इनकी स्पीड का भी डिफरेंस होता है, मतलब ये इसकी रेंज कम है और इसकी रेंज ज्यादा है। तो नहीं होता है। मेरी तो उड़ महंगी हो जानी है, रैकेट शटल फाड़ फाड़ के एक हाथ से फोन है मेरे, दूसरे हाथ से जो मेरे आहा वा गर्दन के नीचे मेरे ये है, और डिंगी बिंगी हो जाना मैंने, और ये जी फिजा खड़ी हुई है, और ये जो है ना इन्हें रैकेट शटल कहते हैं, मैं तो कह रही पसैरो है। दिस इज नॉट अ पसैरो, दिस इज शटल। पतनी शटल होती है, चिड़िया, दिस आर चिड़िया, देसी लोग जो होते हैं ना इन्हें चिड़िया ही बोलते हैं। ओके, और ये चलो खोलो दरवाजा, दरवाजा खोलो जल्दी करो, इतना इतना टाइम लगाया ना और ये हम लोग छत पे आ गए। यू कैन सी द व्यू, ये देखे मैं आ रही हूँ वीडियो में, लेकिन इतनी गंदी है कोई इंसान है मुझे वीडियो में ना आ रही, खुद मेरे करेक्टर बन रही हूँ। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। या शी इज ऑल्सो द मेन वन, मतलब 50-50 वो 50% करेक्ट है और मैं भी 50% करेक्ट हूँ। यार बैकग्राउंड इतना गंदा नहीं होगा गाइज, आपने बैकग्राउंड इग्नोर करना है उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, वो यार हमने लकड़ियाँ नई नई सटाइयाँ इंस्टॉल करवाइया लकड़ियाँ हमने घर के अंदर, तो छोड़ भी दो अब हम खेल लेते हैं, तुमने व्लॉग स्टार्ट किया हुआ है। यार उन्होंने कहना बैकग्राउंड पे आके इस तरह की चीजें पड़ी हुई है, कोई नहीं तो मैं बता रही हूँ आपको, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमने जो है ना क्या मसला है, हम लोग गीजर चलाते हैं ना तो उसकी वजह से हमने लकड़ियाँ जो है ना वो घर में मतलब रखवाई हुई है, ये पड़ी हैं लकड़ियाँ घर में सुटाई हुई हैं, तो वो रैंडमली पड़ी हुई हैं इस तरह, तो हमें वो सेट सुट करके रख लेनी है, फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैं हम लोगों ने ना वो भी सेट करके रख लेंगे। ये जी गाइस शुगल बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन शुगल से हट के ज़रा बात करते हैं, तो सर्दियों के अंदर जो है ना आपको परिंदे शरिंदे जितने भी हमारे होते हैं परिंदे अपने पालतू परिंदे काइंड ऑफ, तो उनको ना यार बी सीरियस, तो उनको जो है वो अपनी खुराक शुराक नहीं मिलती सर्दियों की वजह से, यार लोग भी अक्सर छतों पे आना कम कर देते हैं, तो दैट्स वाई आपको ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में शामिल करना चाहिए कि आप जो है ना सुबह जब अपनी रोटियां खाने के लिए बनाते हैं तो ये दिस काइंड ऑफ आप रोटी का चूरा चूरा करके जो है ना वो छतों पे, या तो हम लोग यहाँ से यूं करके यूं फेंक दिया करते हैं छत पे, और कुछ जा रहा वो हाँ। इस फॉर्म में हम लोग वहाँ रख दिया करते हैं, मतलब आज हम लोग उधर रख दिया करते हैं, नहीं। मतलब या तो हम लोग थोड़ी बहुत आधी रोटियाँ छत पे फेंक दिया करते हैं, या तो हम लोग सेहन के दरमियान भी रख दिया करते हैं, तो आज ये बताएंगे कि हमने क्या करना है। मैंने एक नई लोकेशन देखी जो मुझे इतनी पसंद है, मेरी हमेशा ख्वाहिश होती है कि मैं यहाँ पे रखूं। पहले क्या बोला, चल चल चलो जाके इलाज यहाँ पे छोटी छोटी, अगर कोई चिड़िया या कब्बे आए भी ना तो बड़े अच्छे लग रहे होते हैं, मुझे तो बहुत पसंद है कि मैं इन चीज़ों यार पहला व्लॉग है, ब्लंडर्स भी होंगे, लेकिन सीधी सी बात ये है कि थोड़ा बहुत जो है ना वो नेचर का भी ख्याल किया करें कि परिंदे शरिंदे जो ना उनके खाने पीने का भी ख्याल किया करें, तो ये आपके अपने रिस्क की जो है ना वो फरवानी के लिए होता है और एक गुड मैसेज भी होता है। और कैमरा सेट कर दिया मैंने, पता नहीं मैं कैमरे में आ रही हूँ या नहीं, तो अभी हम खेलते हैं। कैमरा सेट हो चुका है, अब हम खेलने वाले हैं। इसमें लाश डाली हुई है अपनी बहन की, मेरे अरमानों की लाश डाली हुई है इसमें। नहीं तेरे अरमान होने में कैट करनी है ना, सारे कपड़े खोल इतने जरा बेना, इतना ना दबाव नहीं डालते किसी पे, ये चाइल्ड हैरेसमेंट होती है। उम्मीद है जी आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का तो आपको खुद पता है, वो मैं क्यों बताऊं, वो तो आपने पहले ही कर दिया और है मेरे कहने से पहले। अच्छा जी अल्लाह हाफिज, टिल नेक्स्ट टाइम, बाय।